हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम श्वेत रुधाणु यानी कि ल्यूकोसाइट्स WBC के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये कलरलेस होते हैं। ये न्यूक्लियस युक्त रुधिराणु हैं यानी कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनका नंबर 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है, लेकिन कहीं कहीं इसका नंबर 10000 से 11000 भी लिखा हुआ मिलता है। जो टोटल नंबर या परसेंटेज होती है डिफरेंट टाइप के WBC की ल्यूकोसाइट्स की, हमें उसे TLC बोलते हैं, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC। और TLC में सबसे पहले एसिडोफिल्स, फिर बेसोफिल्स, फिर न्यूट्रोफिल्स, फिर मोनोसाइट और फिर लिम्फोसाइट्स होती हैं। सबसे जो एसिडोफिल्स होती हैं, एसिडोफिल्स जो होती है वो 4 से 5% के आसपास होती है, 4% के आसपास होती हैं। जो बेसोफिल्स होती है वो 0.5 से 1% होती हैं, ये मिनिमम होती हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो 65 से 70% होती हैं, ये मैक्सिमम होती हैं। जो मोनोसाइट्स होती हैं ये 4 से 8% होती हैं, और ये जो मोनोसाइट्स होती हैं ये सबसे बड़ी होती हैं, लार्जेस्ट WBC होती है, जबकि लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी WBC होती है, और इनका जो नंबर होता है वो 25 से 30% के आसपास होता है, 25% के आसपास होता है। जो ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन TLC कंडीशन, जो TLC जो होती है बढ़ जाती है, हम उसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में TLC बढ़ जाती है। ल्यूकोसाइटोपेनिया का मतलब होता है कि डिक्रीज इन TLC की संख्या का घटना, ल्यूकोसाइटोपेनिया बोलते हैं। नॉर्मली बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में TLC बढ़ती है, लेकिन टाइफाइड में और एड्स में TLC घट जाती है। ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर का मतलब होता है एबनॉर्मल यानी कि असामान्य WBC का बढ़ना, इसे हम बोलते हैं ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, अपना आकार चेंज कर सकते हैं अमीबा की तरह, और वो ब्लड वेसल से बाहर भी निकल कर आ सकते हैं। इस प्रोसेस को डायपेडेसिस कहते हैं। दो प्रकार की ल्यूकोसाइट्स होती हैं, कणिका में और कणिका रहित। इनके साइटोप्लाज्म में कणिका यानी कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के डाइज रंजक रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कणिका नहीं होते, ग्रेन्यूल्स नहीं होते। इनका जो न्यूक्लियस होता है लोब्स में बटा हुआ होता है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है लोब्स में बटा हुआ नहीं होता है। अब जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं यानी कि कणिका में है, वो 3 प्रकार की होती है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, और कणिका रहित भी 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। एसिडोफिल्स टोटल का 4% होती हैं, और इसमें बाईलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, 2 लोब्स होते हैं, और जो लोब्स होते हैं आपस में प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़े होते हैं, बाईलोब्ड न्यूक्लियस होता है। शेप में अमीबॉइड होते हैं, अमीबा के समान होती है। साइज जो होता है 10 से 14 म्यू होता है। इसका जीवन काल 14 घंटे होता है, अर्थात 1 दिन से कम होता है। साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एसिडिक डाई रिसीव करते हैं, जैसे इओसिन। इनका जो संबंध होता है वो एलर्जी से होता है और पैरासाइट के इन्फेक्शन से होता है। ये हिस्टेमाइन सिक्रीट करती हैं,
और परजीवी यानी कि पैरासाइट का जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, उसमें ये लाइसोजाइम की तरह काम करने लगती हैं। और लाइसोजाइम की तरह काम करने से मतलब क्या है इनका, कि ये जीवाणु की वाल से चिपक जाती हैं और जो एंजाइम्स स्रावित करती हैं जो उसकी वाल को नष्ट कर देते हैं, बॉडी वाल को नष्ट कर देते हैं, अर्थात ये परजीवी को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए ये एलर्जी प्रतिक्रिया में और जो परजीवी का जो आक्रमण होता है, परजीवी का जो संक्रमण होता है, उसमें ये भाग लेती है, उनको नष्ट करती है, अर्थात हमारी बॉडी को परजीवी के संक्रमण से बचाती है। जब एसिडोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है, इसे इजनोफिलिया बोलते हैं, जो टीनिएसिस रोग में होता है, एस्केरिएसिस रोग में होता है और हे फीवर में इनका नंबर बढ़ जाता है। बेसोफिल्स 0.5 से 1% होती है, सबसे कम उनका नंबर होता है। और संयोजी ऊतकों में इन्हें मास्ट कोशिका बोलते हैं, इन्हें मास्ट सेल बोलते हैं संयोजी ऊतक में इसको, यानी कि संयोजी ऊतक की जो मास्ट सेल होती हैं वो वास्तव में बेसोफिल्स होती हैं। शेप इनकी भी अमीबॉइड ही होती है, साइज 8 से 10 म्यू होता है और ये मिनिमम नंबर में होती है, 0.5 से 1% सबसे कम नंबर होता है। ये सबसे छोटी ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, इन तीनों में सबसे छोटी ये वाली होती है। इनका जो जीवन काल होता है वो 10 घंटे होता है और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप्ड होता है और वो ट्राईलोब्ड होता है, तीन लोब्स में बटा हुआ होता है, तीन लोब वाला होता है। अब इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बेसिक डाई रिसीव करते हैं, जैसे मिथाइलिन ब्लू। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो हिपेरिन, हिस्टेमाइन और सीरोटोनिन। क्या क्या सिक्रीट करती है? हिस्टेमाइन और सीरोटोनिन, ये तीनों चीज स्रावित करती हैं, जिसका निर्माण लीवर में होता है। तो बनते लीवर में है लेकिन स्रावित कौन करती है? बेसोफिल सेल्स या कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल। तीसरे है न्यूट्रोफिल्स, ये सबसे ज़्यादा होती है, 65 से 70% होती है, सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है। ये भी अमीबॉइड शेप होती हैं, जीवन काल इनका 12 घंटे होता है। ये सबसे एक्टिव मोबाइल यानी कि चलने वाली, एक जगह से दूसरी जगह तक चलने वाली WBC होती हैं। इनके साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं वो किसी भी डाई से रिसीव, कोई भी डाई इसको, डाई को रिसीव कर लेते हैं, अर्थात किसी से भी वो स्टेन हो जाते हैं, चाहे वो अम्लीय हो, एसिडिक हो, चाहे वो क्षारीय बेसिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, उदासीन हो, लेकिन डिटेक्ट वो न्यूट्रल से की जाती हैं, इसलिए इनका नाम न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इनको हेट्रोफिल्स भी बोलते हैं। इनमें न्यूक्लियस 3 से 5 लोब्ड होता है, न्यूक्लियस जो है इनमें 3 से 5 लोब्ड होता है, 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है इनका। और ये कोशिका भक्षाणु की तरह काम करती है, अर्थात फैगोसाइटोसिस की तरह काम करती हैं। ये जीवाणु और वायरस को पकड़कर उनका भक्षण करती है, कोशिका भक्षण कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और इनका साइज छोटा होता है और इनके फैगोसाइटोसिस के कारण इन्हें माइक्रोपोलिस मैन कहते हैं। अब इनका मेन काम जीवाणु और वायरस से संक्रमण से फैगोसाइटोसिस के द्वारा उनको नष्ट करके बॉडी की रक्षा करना होता है। मोनोसाइट 4 से 8% ये टोटल ल्यूकोसाइट्स का काउंट होता है। साइज 12 से 20 μ होता है इनका, और 12 से 20 μ का मतलब क्या है? सबसे बड़ी WBC होती है। जीवन काल इनका 24 घंटे होता है, लेकिन अगर संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू में होती है तो इनका जो जीवन काल होता है वो सप्ताह और माह भी हो सकता है, महीना हो सकता है। न्यूक्लियस इसमें किडनी और बीन शेप्ड होता है, अर्थात इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप्ड होता है या किडनी शेप्ड होता है। अब इसमें भी डायपेडेसिस की क्षमता होती है, अर्थात ये ब्लड कैपिलरी से छनकर नीचे आ सकती है। ये भी एक्टिव सक्रिय मोबाइल यानी कि चल WBC होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती हैं। और ये बॉडी के बाहर, जब
सॉरी ब्लड के बाहर जब पहुंच जाती हैं तो ये आपस में फ्यूज होकर मैक्रोफेज बना लेती हैं, तो मोनोसाइट्स बड़ी हो जाती है, फ्यूज हो जाती हैं और वो आपस में फ्यूज होकर एक बड़ी सेल बना दी, इसे क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज कहते हैं। ये भी फैगोसाइटोसिस के द्वारा जीवाणु और अन्य रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। इनका बड़ा साइज होने के कारण और इनके फैगोसाइटिक होने के कारण इनको मैक्रोपोलिसमैन ऑफ द बॉडी बोलते हैं। इनको अपमार्जक या स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डेड और मृत जो माइन्यूट बिट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ब्लड कार्पोसल्स के, यानी कि जो रुधिराणुओं के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मृत और छोटे टुकड़े होते हैं, उनको भी अंदर लेकर उनको नष्ट कर देती है, उनका भी भक्षण करके उनको भी समाप्त कर देती है। लास्ट है लिम्फोसाइट, ये 25-30% होते हैं टोटल टीएलसी का। ये भी अमीबॉइड होते हैं शेप में और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है और साइटोप्लाज्म जो होता है वो परिधि की तरफ होता है, कोशिका तरफ परिधि की तरफ होता है। इनका जो ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है जिनका साइज 6-16 μm होता है। इनका जो जीवन काल है यानी कि जो लाइफ स्पान है वो 5-7 दिन होता है, लेकिन संयोजी ऊतक में, अगर ये संयोजी ऊतक में होता है तो ये इनका जो जीवन काल होता है महीना, 1 साल अथवा पूरा जीवन हो सकता है। यानी कि अगर ये ब्लड में है तो 5-7 दिन होता है, लेकिन ब्लड से बाहर जैसे कनेक्टिव टिश्यू में अगर बाई चांस प्रेजेंट है तो उसका जो जीवन काल होता है वो 1 महीना 1 साल अथवा पूरा जीवन हो सकता है। लिम्फोसाइट्स बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। जब इनका निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का, यानी कि जो बोन मैरो में इनका जब निर्माण हो रहा होता है, तो जो लिम्फोसाइट्स बनती हैं, जो अपरिपक्व लिम्फोसाइट बनती है, वो बनती है अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में, और ये जो लिम्फोसाइट्स होती है वो 2 प्रकार की होती है, बी और टी लिम्फोसाइट्स। अब जो बी लिम्फोसाइट्स है वो बोन मैरो में बनती है और यहीं पर ही वो परिपक्व भी होती है, लेकिन ये टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, ये जो कुछ लिम्फोसाइट्स होती हैं वो अब कहाँ पहुँचती हैं, थाइमस में पहुँचती हैं, थाइमस ग्लैंड में पहुँचती हैं और वहाँ जाकर ये परिपक्व होती हैं। तो ये परिपक्व होने के बाद जब सेल होती है, इन्हें हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। इसमें जो टी लेटर है वो थाइमस के लिए है, टी थाइमस से मैच होती है इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट है, इसमें जो बी वर्ड है वो बोन मैरो के लिए नहीं है बल्कि वो बुर्सा ऑफ फैब्रिकस के लिए है। बुर्सा ऑफ फैब्रिकस बर्ड्स में पाए जाने वाला एक अंग होता है जिसके अंदर इनका निर्माण होता है, इसीलिए उनके नाम से इसको बुर्सा फैब्रिकस बोलते हैं, क्योंकि बर्ड्स में बोन मैरो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स है वो लिम्फोसाइट्स होती है जो बोन मैरो में ही बनती हैं, बोन मैरो में ही परिपक्व हो जाती है। तो अपरिपक्व जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो 2 तरह से परिपक्व होती हैं, कुछ लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनकर बोन मैरो में ही मैच्योर जाती हैं, अपरिपक्व होती हैं वहीं पर, वहीं पर ही वो परिपक्व होती हैं, उन्हें बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स बोलते हैं। जबकि कुछ लिम्फोसाइट्स यहाँ से निकलकर अब वो थाइमस ग्लैंड में पहुँच जाती हैं और थाइमस ग्लैंड में जाकर परिपक्व होती हैं। अब थाइमस ग्रंथि में जो परिपक्व होती है उन्हें हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज बनाती, अब जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो अपना क्लोन बनाती हैं। क्लोन का मतलब होता है अपनी जैसी बहुत सारी कॉपीज बनाती हैं और इनको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाती है जो विभिन्न रोगाणु से शरीर की रक्षा करती है। टी लिम्फोसाइट जो होती है वो बेसिकली 4 प्रकार की होती है, हेल्पर यानी कि सहायक टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट, दूसरी किलर टी सेल्स,
तीसरी सुप्रेसर टी सेल्स और चौथी मेमोरी टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स दो मेन काम करती है, एक तो किलर टी सेल्स को उत्तेजित करती है उसको रोगाणु को मारने के लिए प्रेरित करती है, और प्लस बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। अर्थात ये इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को या रोगाणु को मारने के लिए प्रेरित करती है। किलर टी सेल रोगाणु को मारता है, इसका मेन काम उसको मारना होता है। सुप्रेसर टी सेल जो होती है वो अपने ही बॉडी के पार्ट्स को नष्ट होने से बचाने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को बहुत अधिक कार्य करने से रोकती है, जिससे वो इतना अधिक कार्य ना करने लगे कि वो हमारी बॉडी के पार्ट्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगे। और मेमोरी टी सेल्स इसमें भी होती हैं और मेमोरी टी सेल्स इसमें भी होती हैं। मेमोरी बी सेल्स भी होती हैं और मेमोरी टी सेल्स भी होती हैं। इन मेमोरी टी सेल्स का, मेमोरी बी सेल का काम क्या है कि जब कोई पैथोजन, जब कोई रोगाणु हमारी बॉडी में पहली बार प्रवेश करता है तो ये उस रोगाणु को पहचान लेती हैं, और जब कभी फ्यूचर में, भविष्य में वो रोगाणु दोबारा से आता है तो ये जो टी मेमोरी सेल्स हैं इसको पहचान लेती है, और पहचान कर वो किलर टी सेल्स में परिपक्व हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, उसमें परिवर्तित हो जाती हैं और उसको मारने लगती हैं। इसी प्रकार से जो मेमोरी बी सेल्स है, जब वो रोगाणु का मेमोरी ले लेती है अपने अंदर, स्मृति रख लेती है अपने अंदर, तो जब वो फ्यूचर में दोबारा से आता है, भविष्य में आता है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज सरलता से बना लेती हैं। बच्चों आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।